यहाँ पे अब एक आईएएस पीसीएस जितना भी यूपीएससी का है जियोग्राफी वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस सीरीज में देखा जाए तो हम लोग फुल्ली अगर देखा जाए लेक्चर के साथ जो भी रहेगा कंटेंट उसके साथ और क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो अब देखा जाए तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में स्टार्ट करते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन अगर देखा जाए जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी बेसिकली कह सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी का हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो इंडिया देखा जाए वर्ल्ड में कौन से कंट्री के आता है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री, और देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से वो इस समय फर्स्ट कंट्री बन गया है। मतलब चाइना पहले था, अब अगर देखा जाए सबसे पहला इंडिया हो गया है, ठीक है। और इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री टर्म ऑफ एरिया, ठीक है, आफ्टर देखा जाए रसिया, कनाडा, चाइना और यूएस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रियों के नाम है, जिसमें रसिया है, ठीक है, कनाडा है, ठीक है, और इसका आप फ्लैग भी याद रख सकते हैं, चाइना का फ्लैग है, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील, उसके बाद देखा जाए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके बाद सेवन्थ जो है इंडिया है, ठीक। तो सेवन्थ लार्जेस्ट मतलब कंट्री के रूप में इंडिया को जाना जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया के हिसाब से, यहाँ पे बाई एरिया के हिसाब से लिखा हुआ है। तो अर्जेंटीना भी है, अगर अर्जेंटीना पूछा जाता है तो आपका एट्थ कंट्री है, कजाकिस्तान, अल्जेरिया है, ये सब कंट्रियाँ आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों का पोजीशन कहाँ है। जैसे देखा जाए तो सबसे फर्स्ट मोस्ट कंट्री लार्जेस्ट क्या है, रसिया है यहाँ पे, उसके बाद देखा जाए कनाडा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, उसके बाद देखा जाए कनाडा के बाद से नॉर्थ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट है। अब यूनाइटेड स्टेट के बाद देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट के बाद चाइना आ गया, चाइना, ठीक है। अब इसमें देखा जाए कंट्रावर्सी थोड़ा रहता है कि यूनाइटेड स्टेट देखा जाए थर्ड आता है तो सेकंड चाइना हो जाता है, ठीक है, चाइना सेकंड है, यानी कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, रशिया है, उसके बाद सेकंड कनाडा है, थर्ड चाइना है, फोर्थ क्या है, यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील आ जाता है जो साउथ अमेरिकन कंट्री के रूप में जाना जाता है, ये जो ऑरेंज कलर का है पूरा ब्राज़ील है, ये फोर्थ लार्जेस्ट हो गया। अब फिफ्थ लार्जेस्ट में देखा जाए ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ है, और उसके बाद इंडिया आता है, मतलब कि इंडिया, तो यानी कि ब्राज़ील, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है। तो ये कंट्रियों के नाम हैं, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सेवन्थ क्या है, इंडिया है। अब इसका पॉपुलेशन भी एरिया मतलब देख सकते हैं किस स्क्वायर मील में है, तो आप इंडिया का स्क्वायर मील में याद रख सकते हैं और स्क्वायर में भी याद रखते हैं। तो यहाँ पे रसिया है, रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, उसके बाद अर्जेंटीना है, फिर यहाँ पे मैक्सिको दिया है, इंडोनेशिया दिया है, ठीक है। टेंथ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में अगर देखा जाए सबसे फर्स्ट क्या है, इंडिया है, ठीक है, 1.44 बिलियन है, ठीक है, और चाइना हो गया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान जो अगर देखा जाए कौन से फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के रूप में जाना जा रहा है, ठीक है, नाइजेरिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, बांग्लादेश हुआ, रसिया हो गया, इथोपिया हो गया, ये सारे। अब देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, इंडिया है जे इस समय 28 स्टेट है इंडिया में, ठीक है, करंट में, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी है। इट इज़ ए टोटल एरिया अबाउट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 2.4% ऑफ टोटल लैंड सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये 2.4
4% कितने परसेंट पॉपुलेशन को मतलब सपोर्ट करता है, तो ये 17.5% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है जैसा हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इंडिया में यहाँ पे कौन कौन यूनियन टेरेटरी है, कौन कौन हमारे पास क्या है स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी है। तो यहाँ पे सब यूनियन टेरेटरी और स्टेट का हमें कैपिटल थोड़ा सा याद रखना है। ऐसा देखा जाए पहले एक स्टेट हुआ करता था ये पार्ट, अब यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जा रहा है, जो एक हमारे पास क्या है जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे लद्दाख भी हो गया, इसका लेह हेडक्वार्टर हो गया, लेह हो गया। ठीक है, ये नया अब देखा जाए बना। इधर देखा जाए सेवन सिस्टर वाले कंट्री हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, तो ये आगे हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आप मैप ओरिजिनल और लेटेस्ट मैप आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग चलते हैं। एज पर सेंसस देखा जाए वर्ल्ड 17.5% पॉपुलेशन लिव इन इंडिया। ठीक है, द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडिया रफली अबाउट 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैटिट्यूडनल वो 30 डिग्री। एक्चुअल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्या है 3,214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए 2,933 किलोमीटर है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये वाला देखा जाए ये वेस्ट और ये ईस्ट मोस्ट है, और ईस्ट मोस्ट में देखा जाए ये जो एंगल है 97 डिग्री 25 मिनट है, और यहाँ 60 डिग्री 7 मिनट है। ठीक है, वेस्ट वाला ये जो एरिया, ये जो लेंथ है 2,933 यानी 2,933 किलोमीटर का है। ठीक है, और इधर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो ये 37 डिग्री 6 मिनट है, और इधर देखा जाए 8 डिग्री 4 मिनट है, और ये साउथ मोस्ट पोजीशन है। तो ये एरिया देखा जाए, ये वाला लेंथ देखा जाए 3,214 किलोमीटर है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। आगे चलते हैं, एज पर सेंसस 2001 देयर वेयर इतना विलेज था। ठीक है, कितना 6,38,588 विलेज इन इंडिया आफ्टर 2011 सेंसस राइज कितना हो गया 6,40,932 विलेज इंडिया में हैं। अगर देखा जाए एज ए प्रेजेंट अभी तो नया सेंसस कोई आया नहीं है, इंडिया टेरिटोरियल लिमिटेड फर्दर एक्सटर्नल टूअर्ड अप टू कितना है 12 नॉटिकल माइल यानी कि 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल एरिया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का पूरा दिया है। अगर देख सकते हैं तो यहाँ पॉपुलेशन वाइज यूनियन टेरिटरी और स्टेट का देखा, जैसे मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है, उसके बाद क्या है महाराष्ट्र है, उसके बाद कौन है बिहार आ जाता है, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर मेघालय आ जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा सीरीज याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है सीरीज के रिकॉर्डिंग, और फिर आप आगे आ जाते हैं यहाँ पे पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी की बात है। यूनियन 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इसमें चाइना दिया है लेकिन अब फर्स्ट क्या हो गया इंडिया हो गया। आप देख सकते हैं हमने ऊपर डिस्कस कर दिया, ये पुराना डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए सेंसस जो इस्टीमेशन है तो 2023 का और 11 का पॉपुलेशन डेंसिटी में देखा जाए यहाँ पे ओरिजिनल लेटेस्ट डाटा हमने रखा है तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट है। ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए 828 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे इतना पॉपुलेशन इस्टीमेटेड है और इतना पॉपुलेशन 2011 में था। आप देख सकते हैं कितना सारा चेंजेज है, महाराष्ट्र है सेकंड, ठीक है, उसके बाद बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। ये आपको कम से कम 5 मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट को जानना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 मतलब उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक,
गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सारा है। पॉपुलेशन मैप ऑफ इंडिया देखा जाए 2021 का ये डाटा अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग दिया है, तो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये पुराना डेटा लिखा हुआ है, 2023 का जो इस्टीमेटेड है वो है डेटा, आप देख सकते हैं। इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस बिगेस्ट स्टेट ओवरऑल आप देख सकते हैं तमिलनाडु है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश का अगर एग्ज़ाम देना है तो यहाँ पे 8 नंबर पे उत्तर प्रदेश है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर उत्तराखंड का आपका देखना है तो 11 स्टेट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टेट वाइज ये सारा चीज़ डेटा वगैरह दिया हुआ है, तो यूनियन टेरिटरी कितना हो, गवर्नमेंट डेटा है, ये 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है ये। अब इसमें देखा जाए स्टेट और यूनियन टेरिटरी में रिसेंटली जो सीएम है उनके बारे में दिया हुआ है, तो कुछ तो आपको जो लेटेस्ट सीएम बने हैं उनके बारे में आपको जानना होगा कौन कहाँ का बना हुआ है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश के हैं तो अमरावती इसका कैपिटल है, ठीक है, और श्री चंद्रबाबू नायडू हैं, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना। जैसे अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल का इतनगर है, और असम का दिसपुर है, पटना हो गया, बिहार का नीतीश कुमार है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लेटेस्ट वाला याद रखना होगा आप न्यूज़ में करंट अफेयर के रूप में। बाकी आपको न्यूज अगर थोड़ा बहुत देखते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो लेटेंट गवर्नमेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी में होते हैं, तो आप देख सकते हैं अंडमान और निकोबार आइसलैंड का पोर्ट ब्लेयर हेडक्वार्टर यानी कि कैपिटल है, और डी के जोशी हैं यहाँ के, चंडीगढ़ के, चंडीगढ़ ही हमारे पास कैपिटल है, बनवारी लाल पुरोहित हैं यहाँ के, और दादर नगर हवेली एंड दमन दीव के हैं, दमन इसका कैपिटल है, और प्रफुल्ल पटेल हैं इसके हेड। ठीक है, दिल्ली के आप जानते हैं विनय कुमार सक्सेना, अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले चेंज हुए हैं, ठीक है, शायद लद्दाख के और बीडी मिश्रा हैं, ठीक है, लक्षद्वीप के प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक है, वही आ गया, जम्मू एंड कश्मीर का मनोज सिन्हा है, ठीक है, और पुदुचेरी के सीपी राधा कृष्णन है, आप याद है पुदुचेरी ही होगा इसका हेड। अब इसमें देखा जाए मोस्टली हमारा जो फोकस है वो क्वेश्चन पे है, जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, इसके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखा जाए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया, यूज द कोड गिवन बिलो द सेलेक्टेड करेक्ट आंसर। तो आप देखा जाए तो ये क्वेश्चन पुराना है, यानी कि 2006 के अराउंड का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आईएएस का क्वेश्चन है, तो उस समय का क्वेश्चन है, तो आप उस समय के हिसाब से आप देखिए, हम नया वाला भी डेटा करेक्ट करेंगे। जैसे इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, अब यहाँ पे तो दिया नहीं है, किसके हिसाब से आपको पूछ रहा है कि फिफ्थ लार्जेस्ट क्या हो? फिफ्थ लार्जेस्ट अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी नहीं है, और एरिया के हिसाब से सेवन्थ लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे तो फिफ्थ लार्जेस्ट वाला गलत हो गया ना, तो ये गलत हो गया। इसके बाद देखा जाए इट ऑक्यूपाई अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लैंड लिथोस्फीयर, तो ये तो सही है ना, ये सही हो गया। होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन, ट्रॉपिक जोन में अगर देखा जाए इंडिया पूरा ट्रॉपिक जोन में तो नहीं लाई कर रहा है ना, होल इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन में तो लाई नहीं करता। अब 82 डिग्री यहाँ पे 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड, तो 82 डिग्री अब देखा जाए ये ट्रॉपिक जोन जो हमारे पास है, यहाँ पे क्या पूछ रहा, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये भी गलत हो गया ट्रॉपिक जोन में। और 82 ईस्ट लॉन्गिट्यूड यू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड, जो टाइम है हमारे पास वो 82 डिग्री 30 मिनट पे है, जो मिर्ज़ापुर से होके जाता है, पहले नैनी से इलाहाबाद से अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे आंसर देखा जाए तो सबसे करेक्ट आंसर क्या है, 2 और 4, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास मिल गया, 2 और 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में,
वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया अमंग द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब किस मतलब एरिया वाइज में अभी हम लोग देखा था सेवन्थ है, तो ये सही हो गया। आगे चल, इंडिया इज इन साइज, तो एक ही क्वेश्चन देखा जाए कैसे पूछा जाता है, तो आप उस पर फोकस करिए सेवन्थ। अब यहाँ पे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या हो गया, सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया वाइज, जो 2.4% क्या करता है लैंड एरिया टू टोटल वर्ल्ड का, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अब नॉट करेक्टली मैच है यहाँ पे देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए जिससे हमें मतलब कि इनकरेक्ट कह सकते हैं ढूंढना है। तो यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ इंडिया तो 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, सही बात है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये सही है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री और 6 मिनट था, ठीक है लैटिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल में देखा जाए ये वाला लॉन्गिट्यूडनल में तो 68 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी सही है। मतलब कि आपका जो इंडिया का ये वाला हमारे पास कितना है ईस्ट में है तो 68 और 97, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या है 37 डिग्री और 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, ये था। तो ये पूरा एकदम ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नंबर ऑफ स्टेट लिखा है इंडिया में इस समय, ये 26 लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्टेट देखा जाए 28 है और यूनियन टेरिटरी कितने हैं 8 हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एरिया ऑफ द इंडिया, इंडिया एरिया जो है लैंड एरिया ये 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट पॉपुलेशन देखा जाए कितना सपोर्ट करता है, पॉपुलेशन कितना सपोर्ट करता है 17.5% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग में डेटा में दिया है, तो इतना सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कितना कौन सा आंसर सही हो जाए, तो हम लोग बी आंसर सही करें। वैसे तो देखा 18% भी दिया है लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग लगभग ये 17% इज मोस्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर देखा जाए कुछ मतलब डेटा में थोड़ा सा पहले डेटा में जो दिया था 16.7% दिया था, बाद में उसको करेक्ट करके 17.5% कर दिया गया, तो आप देख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर है। हाउ मेनी विलेज आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन इंडिया, तो हम लोग विलेज का भी देखा था कितना था, तो विलेज में अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 6,40,000 था, 40,000। तो अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन कोई है ही नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है ना, तो आपका नन भी दिया है, तो यही सही करना पड़ेगा। अब देखा जाए वैसे तो बच्चे कहेंगे 6,30,000 लगा देते हैं सर, नहीं अब नन नहीं होता तो हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया, इंडिया के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो इंडिया के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आते हैं, तो इंडिया इज द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इंडिया इज सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब देखा जाए इस मतलब इस समय के क्वेश्चन में अगर ये तो 2016 का क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो अगर इस समय के आता है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन उस समय में ये सही माना जाए सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन था आउटर चाइना, लेकिन इस समय फर्स्ट हो गया। इट लैंड बाउंड्री क्या 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है। तो आप देखा जाए देयर अर्लीस्ट सनराइज सीन इन मिजोरम, मिजोरम में नहीं अर्लीस्ट सनराइज होता है, ये डोंग ग्राम का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है प्रदेश, वहाँ पे पहला सनराइज देखा जाता है क्योंकि ईस्ट साइड में सबसे है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, अगर देखा जाए इस प्रस्पेक्टिव में तो ये भी गलत है, फर्स्ट होना चाहिए था, लेकिन अब
अगर आएगा क्वेश्चन आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल क्या है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।